हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिवर्सल फेवरेट होती है और साथ में इसमें इमोशनल मेमोरी जुड़ी होती है। जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना, वो सभी को पसंद होता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे मम्मी के हाथ की कढ़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, 2 से 3 लिए थे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, बहुत सारा धनिया पत्ता, सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, हींग और साथ में साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, सब चीज़ों को ले लिया है मैंने। उसके साथ डालेंगे बेसन 3 से 4 टेबलस्पून और साथ में ले लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। सब चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेना है। आप प्याज को बारीक भी काट सकते हो, स्लाइस नहीं करना हो तो। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका एक बैटर बनाना है, थिक सा पेस्ट जैसा। उसके बाद ऐड करेंगे सोडा 1/2 टीस्पून, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। एक ही जगह पर चलाना है आपको, एक ही डायरेक्शन में फिराना है और फिर रेडी है आपका बैटर। अब इसे गर्मा गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक तल लीजिए और फिर इसे साइड में रख दीजिए। तो रेडी है हमारे पकौड़े। उसके बाद बेसन का बैटर बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 कप बेसन और उसमें ऐड करेंगे 2 कप दही वाली छास। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्प्स ना हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे इसमें मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, सब 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। उसके साथ ऐड करेंगे हम पानी, मैंने थिक छास बनाई थी इसलिए मैंने ऐड किया है पानी। और उसके साथ ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया है। आपको गुड़ लेना है तो आप गुड़ भी ले सकते हो, बट आप डालिएगा ज़रूर, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब चीज़ों को मिक्स करके घोल हमारा रेडी हो चुका है। अब ले लिया है तेल, उसमें मेथी के दाने ऐड कर दिए 7 से 8, सरसों का दाना ऐड कर दिया है और जीरा ऐड कर दिया है। मेथी का दाना आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके लहसुन, मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर देना है आपको। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। सब चीज़ें अच्छे से पक जाए उसके बाद बेसन और छाछ का जो घोल बनाया था वो हम ऐड कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक आपको इस कढ़ी को पकाना है अच्छी तरीके से। जितनी कढ़ी पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी होती जाएगी। अगर थोड़ी सी थिक हो जाए तो आपको पानी ऐड कर करके इसे पका लेना है। 20 से 25 मिनट बाद कढ़ी रेडी है। अब हम एक तड़का बना लेंगे, उसके लिए ले लिया है 1 टेबलस्पून घी और साथ में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। पका लेंगे सब चीज़ों को। अब कढ़ी में पकौड़े ऐड कर देंगे और साथ में जो तड़का हमने बनाया था वो डाल देंगे। उसके साथ धनिया पत्ता ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। इन्जॉय करिए इसे हॉट स्टीम्ड राइस के साथ और आपको सच्ची में मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।